गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप लोग गाइस? अभी देखो, अब मेरा तो रोज का काम है गुड़गांव जाना, तो इसलिए मैं अभी वहीं जा रहा हूँ। तत्काल मेरा काम वहीं है। तो आज जो कल दिन भर मैं घूमता रहा, आप लोग अगर मेरा ब्लॉग देख रहे होगे तो पता चला होगा, और आज भी वही से मतलब मेरा लाइक मैं कैसे टाइम स्पेंड करता हूँ आप देखो, पूरा हर दिन काम ही काम, कभी कुछ काम रहता है मेरा। तो फिलहाल तो गुड़गांव जाऊँगा, वहाँ पे आज शाम में मीटिंग है, सुबह तो कोई मीटिंग नहीं। तो कोई गाड़ी ऐसे चलाते हैं कि क्या बताएं, मतलब उनको कोई लेन ड्राइविंग का मतलब ही नहीं होता है। और आजकल लोग ऐसे ज़्यादा हो गए हैं जो कि लेन ड्राइविंग फॉलो नहीं करते, चेंज करते रहते कभी इस लेन कभी उस लेन, और उससे होता क्या है, सबको दिक्कत होती है। और ये जो ऐसे चलाते हैं वो सोचते हैं कि मैं तो जल्दी पहुंच गया ऐसे, बट पीछे जितने लोगों को आप मतलब दिक्कत होती है उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। तो गाइस, सुबह सुबह इस बातों से छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। और अभी जाएंगे गुड़गांव, मोस्टली साइबर है, जाना होगा दे जाना होगा देखेंगे। तो वहाँ पे भी अपना तो काम रहता ही है। और आज देखो, आज कोई ऐसे छोटा मोटा फेस्टिवल है आज भी। गाइस देखो, एक गाड़ी वाले को कितना चिपका के लगाया है मेरी गाड़ी में, देख रहे हो? असम का नंबर है इस पे, असम का नंबर है, जो बुलेरो वाला भाई है ना, वो असम का नंबर लेके और एकदम चिपका चिपका के चला रहा है। किसी को लग जाएगा यहाँ पे, इसको पता नहीं है इधर लोग कैसे हैं। तो ऐसे ही होता है, कोई ड्राइविंग नहीं आती, लोग लेके गाड़ी चल देते हैं तो दिक्कत तो होती है। और गाइस, सबसे बड़ी बात है कि जब मैं जाते रहता हूँ हर दिन, तो ट्रैफिक जाम ये सबसे तो मिलता है, बट कोई ऐसे गलत जो ड्राइव करते हैं उनका तो कुछ बात ही नहीं। और गाइस अभी निकला हूँ मैं, आज मैंने गाड़ी लगा दिया है बाहर, तो वहीं जा रहा हूँ, तो पार्किंग में पहुँचता हूँ, फिर गाड़ी निकालना है मुझे। देख लो कैसे हो रखा है टाइमिंग, आज बहुत सारा काम निपटा दे। तो खड़ी है देखो कैसे अंधेरे में, अब यहाँ से निकलेंगे पार्किंग, और इतना गड्ढा है पार्किंग में, बैग रखते हैं फिर निकलेंगे यहाँ से। तो गाइस देख लो, और ये देखो ये कैसे सो रहा है आराम से। गाइस गाड़ी में बैठ गए और अब निकलेंगे यहाँ से घर के लिए, कहीं जाते हैं पेट्रोल ले आना पड़ जाए, वही देखते हैं क्या बनता है सीन, तो जैसा होगा वैसा करेंगे। फिलहाल अभी निकलते हैं, रास्ते में आपको बात करते हैं। तो गाइस आज का तो दिन ऐसे ही बीत गया, और आज मुझे कहीं बाहर जाना था बट मैं जा नहीं पाया क्योंकि काम मतलब थोड़ा ज़्यादा ही हो गया था। तो फिर मैंने सोचा वहाँ जाऊँ ना जाऊँ, मीटिंग थी मेरी वैसे बाहर में, तो मैं वहाँ गया नहीं। और गाइस एक बात और है कि जो मैंने अपना पासपोर्ट का पुलिस वेरिफिकेशन कराया था, उसका कंफर्मेशन आ गया कि मेरा पासपोर्ट रेडी हो रहा है, मतलब वो अब डिस्पैच हो जाएगा, मतलब मुझे जो कंफर्मेशन आया है डिस्पैच का कि अब डिस्पैच हो रहा है वो, तो ये एक मतलब अच्छी बात है कि चलो मतलब बहुत जल्दी 3-4 दिन के अंदर ही कंफर्मेशन आ गया कि डिस्पैच होगा, तो अब डिस्पैच हो रहा है तो मिल भी जाएगा, 3-4 दिन में मिल जाएगा पासपोर्ट। तो उसी का वेट है अभी कब तक आ जाए। मैं सोचा था कि
बट वेकेशन होने में जो टाइम लग गया उसके बाद शायद लेट हो जाती, बट नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने जल्दी प्रोसेस कर दिया, तो थैंक गॉड हमारा काम हो गया। मतलब ऐसे मैं सोच रहा था कि पता नहीं क्या हो। तो गाइज एक काम मेरा निपट गया, और दूसरी बात अभी मेरे को गाड़ी को देना है सर्विस के लिए, क्योंकि पीछे वाली जो लगी हुई है वो, तो उसके लिए मैं भी इस वीकेंड पे दे दूंगा, और इस वीकेंड पे दूंगा। और उसका क्या है कि ठीक कराना ज़रूरी है, बहुत दिन हो गया, तो फिर इंश्योरेंस में भी दिक्कत होगी। पता नहीं, अगर ज़्यादा पैसे नहीं लगा तो खुद ही करा लेंगे, इंश्योरेंस पे नहीं जाएंगे, तो वो एक रहेगा, देखते हैं क्या होता है। और एक बात और है, अभी बताता हूँ आप लोगों को। टेम्परेचर राइज हो गया, अब कोई ट्रैफिक जाम रात में दिखता नहीं। हाँ, कुछ शादियाँ अगर हो तो तभी ट्रैफिक रहेगा, नहीं तो नहीं। हाँ, तो गाइस मेरा पासपोर्ट वाला काम भी हो गया। अब एक और काम है, मैंने एक मतलब अभी बताऊँ ना बताऊँ ये सोच रहा हूँ। चलो एक बार देख के बताऊँगा, जैसा होगा, अगर काम होने के बाद बताने में अच्छा लगता है, अभी प्रोसेसर है तो क्या बताना। तो और आज कुछ हमने फ्लिपकार्ट से लिए थे, तो वो भी डिलीवर हुआ है, 3-4 पार्सल, तो उसको भी ओपन करके देखेंगे कि इसमें क्या है। तो वो भी एक है कि हमारा मतलब आज का डेट था उसका डिलीवरी का, तो आज हो गया वो। तो घर पहुँचते हैं, फिर उसको पार्सल को देखेंगे क्या है उसमें। सबसे अच्छी बात है कि जो काम मैंने मतलब सोच के करता हूँ हो जाता है। देखो कल मेरे फ्रेंड का काम था, वो भी हो गया, और उसके लिए मतलब हम लोग को कितना 3-4 घंटे मतलब वहाँ पे टाइम लगाने पड़े काम वो निकालने के लिए। तो ठीक है, हो गया वो भी। तो अभी जाएंगे हम घर जाएंगे, देखेंगे क्या है वहाँ पे, बाबू क्या कर रहे हैं, उसको भी लेंगे व्लॉग में। फ़िलहाल तो गाइज अभी जो भी है सिचुएशन आपको पता ही है कि ऐसे में मतलब इतना सारा काम है, पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों, तो उसको अभी हमें टैकल करना है। तो देखते हैं कैसे होता है। फ़िलहाल तो घर पहुंचते हैं, रास्ते में कोई देखो पेट्रोल का लिमिट देखो 95 किलोमीटर दिखा रहा है, और 80 पे उसमें ये आ जाता है। तो अगर जैसा होगा, अगर रास्ते में देखेंगे टाइम मिला तो ले लेंगे, और नहीं तो क्या करेंगे, छोड़ देंगे, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। और क्या है, एक बात और है जो कि आप लोग को बताना है। अब पेट्रोल पंप पहुँच ही गए हैं। देखो यहाँ इतनी लंबी लाइन लगी होती है, हर दिन की यही कहानी है। और कभी आप टाइम मिले तो निकल यहाँ से, मतलब आओ देखो, कभी आपको आते ही पेट्रोल नहीं मिलेगी इस पेट्रोल पंप पे। और ये परेशानी तो रोज़ की है, मतलब यहाँ पे जब भी आ जाओ तो दिक्कत है। तो गाइस अब पेट्रोल लेंगे, उसके बाद मैं रोज़ थोड़े आता हूँ पेट्रोल लेने, लेकिन फिर जब भी आता हूँ यहाँ जाम ही लगा रहता है। तो मुझे लगता है कि रोज़ ही यहाँ पे भीड़ मतलब भीड़ लगी रहती है। देखते हैं, एक बार पेट्रोल लेते हैं, फिर यहाँ से निकलेंगे। घर आ गए, हाथ मुँह धो लिए, और ये लड़का को देखिए कैसे सो रहा है। तो यहाँ जगा हुआ था जब मैं आया, तो और अब सो गया है। तो गाइस आने में तो लेट हो गया आज, लेकिन कोई बात नहीं, अब आ गए घर पे, तो अब खाना खाएंगे। और खाना खाने के बाद अब बाबू उठता है अगर, तो उसको ब्लॉग मिलेंगे, नहीं तो कोई ये नहीं। और गाइस मैंने बताया था ना आपको कि मेरा पासपोर्ट का डिस्पैच का मैसेज आ गया है। तो फिलहाल खाना बन गया है, तो खाना खाते हैं। तो गाइस खाना हो गया, और अब वीडियो एडिट करेंगे और सो जाएंगे। तो होप करता हूँ आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।